जी हाँ दोस्तों, आज का मुकाबला चलिए यहाँ पर खेला जा रहा है भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में। और तैयार यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली 35 बॉल पर 107 रन की दरकार इस मुकाबले में करने के लिए। चलिए दोस्तों तैयार यहाँ पर बल्लेबाज, इस बार की बॉल फुल टॉस बॉल, बेहतरीन शॉट विराट कोहली द्वारा पूरे 4 रन के लिए अंदर की तरफ आई पड़ने के बाद विराट कोहली ने क्या शॉट मारा इस यॉर्कर पर। विराट कोहली दोस्तों आज बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बेहतरीन शॉट यहाँ पर पूरे 4 रन के लिए। चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूले। 34 पर 103 रन यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर दोस्तों, रन की दरकार है। चलिए इस बार अगली बॉल बेहतरीन शॉट, ओ नहीं ये विराट कोहली आउट है, विराट कोहली ऐसे आउट हो सकते हैं ये नहीं पता था हमें। रन के लिए भागे और फील्डर तैनात, पकड़ा कैच और ये आउट। चलिए दोस्तों सफलता पर सिर्फ सफलता यहाँ पर प्राप्त की जा रही दोस्तों न्यूजीलैंड द्वारा, विराट कोहली रन आउट खुद की गलती की वजह से। 21 पर 23 रन बनाया आज विराट कोहली, नहीं चल पाए दोस्तों आज, ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए विराट कोहली, लेकिन शानदार खेल रहे थे किंग कोहली, लेकिन अब आउट हो चुके हैं बल्लेबाज। चलिए अगले बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आएंगे, सूर्य कुमार यादव यशस्वी जायसवाल। जी हाँ दोस्तों क्रीज पर ये बल्लेबाज मौजूद है, सूर्य कुमार यादव तैयार इस बार अगली बॉल के लिए, बेहतरीन कोशिश मिड ओवर फील्डर तैनात, देख रहे मांगता है थ्रो लगा तो करीबी मामला होता, लेकिन बच गए यहाँ पर बल्लेबाज। कितनी शानदारी के साथ यहाँ पर दोस्तों रन कंप्लीट गए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने, यशस्वी जायसवाल एंड सूर्य कुमार यादव। दोस्तों क्या आज दोस्तों मुकाबला जीता पाएंगे, बेहतरीन मुकाबले की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही दोस्तों, क्या बात है, शानदार पारी यहाँ पर नजर आ रही। और ये डॉट बॉल बढ़ता दबाव बढ़ता यहाँ पर दोस्तों भारतीय टीम के ऊपर, वाइड बॉल करा दी, लेकिन ये बहुत शानदार एम्पायर यहाँ पर बहुत दोस्तों, क्या लगता है 32 बॉल पर 101 रन बना पाएगी भारतीय टीम। चलिए इस बार की बॉल बेहतरीन शॉट उठा कर खेला इस बार हवाई यात्रा पर, और ये बेहतरीन छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से यशस्वी जायसवाल द्वारा, क्योंकि इन्होंने पढ़ लिया कि जिस हिसाब से बल्लेबाज खेल रहे हो फिलहाल है दबाव में, कितना शानदार छक्का है, बहुत दूर गई ये बॉल दोस्त। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। 31 पर 95 की दरकार है मुकाबले में करने के लिए। चल यहाँ पर बल्लेबाज तैयार इस बार के लिए, बेहतरीन कवर ड्राइव, वो शॉट एक इनफील्डर तैनात, एक रंगी मांग और आसानी के साथ यहाँ पर एक और रन कंप्लीट। चलिए दोस्तों जिस हिसाब से मुकाबले खेला जा रहा है काबिले तारीफ यहाँ पर दोस्तों मुकाबले में, शानदार बल्लेबाज यहाँ पर मिचेल सैंडनर यहाँ पर दोस्तों ओवर लेकर आए, अच्छी ओवर डालते हैं ये भी। तैयार यहाँ पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल 30 बॉल 94 रन मुकाबले विन करने के लिए, यशस्वी जायसवाल इस बार अगली बॉल पैर पर बॉल, टाइमिंग अच्छी कर नहीं पाए, फील्डर तैनात जरूर है और ये हाथों में। चलिए दोस्तों यहाँ पर विकेट मिल चुकी है, क्या बात है, विकेट प्राप्त। जी हाँ दोस्तों यशस्वी जायसवाल मुकाबले में आज बहुत जल्दी आउट हो चुके हैं, क्या ही विकेट मिली है। जी हाँ दोस्तों चलिए सुमन गिल आ रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए, सुमन गिल एंड सूर्य कुमार है तो दोनों बल्लेबाज मौजूद क्रीज पर। क्या लगता है दोस्तों यहाँ पर आज भारतीय टीम जीत पाएगी, बहुत शानदार मुकाबला है सूर्य यहाँ पर सूर्य कुमार यादव। चलिए इस बार अगली बॉल और बेहतरीन शॉट सेंटनर के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गहरा इस बार, ऊंचा बहुत है लेकिन ये छक्का है, क्या बात दोस्तों यहाँ पर आज का मुकाबला शानदार खेल रही है बेहतरीन बल्लेबाजी, कितना शानदार छक्का मारा है। चलिए दोस्तों सूर्य कुमार यादव बल्ले से बहुत दूर गई यहाँ पर सेंटनर ऊपर ऊपर सेंटनर के ऊपर छक्का, बैक टू बैक बाउंड्री यहाँ पर दोस्तों लगाई जा रही है आज सूर्य कुमार यादव फॉर्म में नजर आए दोस्तों, 28 बॉल 88 रन। चलिए इस बार अगली बॉल एक और इस बार तो उससे भी दूर, ये गया सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्का, क्या बात है दोस्तों
आज फॉर्म में नजर आ रही है यहाँ पर भारतीय टीम। बेहतरीन छक्का। चलिए अगर दोस्तों आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि यह मुकाबला हो रहा है भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में। न्यूजीलैंड दोस्तों दबाव में। चलिए इस बार अगली बॉल एक और टाइमिंग, फील्डर जरूर लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर से छक्का। तीन बॉल पर तीन छक्के सूर्य कुमार यादव के बल्ले से। बैक टू बैक बाउंड्रीज यहां पर लगाए जा रहे हैं बल्लेबाज। इतना शानदार छक्का, ये बहुत दूर गई, एक और बल्लेबाजी नजर आ रही दोस्तों आज के मुकाबले में हमें, बहुत शानदार पारी खेलते बल्लेबाज। चलिए दोस्तों 26 बॉल पर 76 रन की दरकार है मुकाबले में करने के लिए। सूर्य कुमार तो नजर आ रहे हैं फॉर्म में। इस बार अगली बॉल पैर पर बॉल, बेहतरीन शॉट, कलाई का इस्तेमाल, फील्डर तैनात जरूर है। दो रन की मांग की लेकिन दूसरे के लिए मना किया सूर्य कुमार यादव ने, क्योंकि बल्लेबाज यहाँ पर तो जरूरत है भारत टीम को बड़े पार्टनरशिप की, और ये जमाने की पूरी कोशिश की जाएगी आज। चलिए दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो जरूर से दबा दीजिए। मात्र एक रन से दूर है इस ओवर, इस एक बॉल बची इस ओवर की। चलिए बेहतरीन शॉट यहाँ पर, एक रन के लिए हल्के हाथों से खेला है शॉट, दो रन की मांग की और ये खतरे से खाली रन नहीं है और बच गए बल्लेबाज, लेकिन उड़ना जानते हैं। कितनी शानदार बचे यहाँ पर बल्लेबाज। चलिए दोस्तों तैयार यहाँ पर ओवर समाप्त, जिम्मी निशाम आए ओवर लेकर, 24 बॉल 73 रन, जिम्मी निशाम तैयार है। इस बार अगली बॉल और ये पैरों पर बॉल, कितनी शानदार बॉल, लेकिन ये पहली बॉल पर सिंगल। 24 बॉल 72 रन, जी हाँ दोस्तों कैसे जीतेगी आज के इस मुकाबले को। चलिए इस बार अगली बॉल और ये बेहतरीन शॉट, सुमन गिल के लिए यॉर्कर डालना, खतरे से खाली नहीं है, कितना शानदार छक्का लगा है, बेहतरीन शॉट पूरे 6 रन के लिए। अगर दोस्तों आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। बेहतरीन नजर आ रही यहां पर आज के मुकाबले में हमें भारतीय टीम, बैक टू बैक छक्के लगाए जा रहे हैं यहां पर बल्लेबाज। सुमन गिल 22 बॉल 66 रन की दरकार है मुकाबले में करने के लिए। इस बार अगली बॉल बेहतरीन शॉट, टाइमिंग अच्छी नहीं है, फील्डर तैनात है और ये हाथों में। चलिए फाइनली यहां पर विकेट मिल चुका है दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को, एक और विकेट। ऑप्शन है भारतीय फील्डर को बीट करने की कोशिश, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में, टाइमिंग देखिए बिल्कुल नहीं कर पाए बल्लेबाज। और बेहतरीन शानदार कैच, बहुत बेहतरीन कैच यहाँ पर पकड़ लिया दोस्तों फील्डर द्वारा। सुमन गिल 3 बॉल पर 8 रन बनाकर आउट इस मुकाबले में बहुत जल्दी चल दिए हैं। चलिए अगले बल्लेबाज यहाँ पर इनकी बात की जाए तो मुकाबले में आ चुके हैं जो कि रविंदर जडेजा। जडेजा आए यहाँ पर ओवर लेकर, वो बल्लेबाजी करने के लिए रविंदर जडेजा तैयार है। उनके सामने दोस्तों सूर्य कुमार यादव, जिम्मी निशाम। इस बार अगली बॉल और सूर्य कुमार यादव फ्लैट मिड विकेट के ऊपर से मारा, इस बार बेहतरीन शॉट, बेहतरीन छक्का, बैक टू बैक बाउंड्रीज सूर्य कुमार यादव के बल्ले से आज हमें नजर आ रही है। कितना शानदार छक्का मारा ये बेहतरीन बल्लेबाज दोस्तों आज मुकाबला चलता हुआ, शानदार पारी। अगर दोस्तों आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेहतरीन पारी नजर आ रही है। चलिए इस बार अगली बॉल सूर्य कुमार के लिए, छोटी बॉल और गैप में शॉट, एक और बैक टू बैक, एक और चौका, एक छक्का एक चौका, गैप ढूंढने में माहिर यहां पर सूर्य कुमार है तो लड़ रहे हैं दोस्तों। सूर्य कुमार को 31 बनाकर खेल रहे हैं, 19 बॉल 56 रन की दरकार मुकाबला विन करने के लिए। चलिए लास्ट बॉल ओवर की और अच्छी डॉट, बेहतरीन बॉलिंग। चलिए दोस्तों यहां पर नजर आ रही है आज हमें, बहुत शानदार बॉल और ये वाइड, किस हिसाब से वाइड आ चुकी है यहाँ पर दोस्तों, एक और सूर्य कुमार यादव के लिए। चलिए सूर्य कुमार यादव तैयार, लास्ट की बॉल, बेहतरीन कवर ड्राइव, एक रन की मांग की है, बॉल को अच्छे से धकेला एक रन के लिए और बैट की आसानी के साथ एक रन।
और ये बल्लेबाज चली आउट हो चुका इस मुकाबले में। बेहतरीन पारी सूर्य कुमार, तो 9 बॉल पर 32 रन बनाकर खेल रहे हैं। बहुत शानदार पारी खेलते हुए। इस बार अगली बॉल एक और इनके पैरों पर बॉल नहीं डालनी थी। बेहतरीन शॉट लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। चलिए 2 रन आ चुके हैं यहाँ पर। बहुत शानदार शॉट था लेकिन फील्डिंग लाजवाब। चलिए दोस्तों बेहतरीन मुकाबला। चलिए इस बार अगली बॉल एक और पैरों पर बॉल। इस बार भी वही शॉट, इस बार फील्डर दूर है थोड़ा लेकिन ये चौका मारा जाएगा। क्या बात है, पिछली बॉल पर भी यही शॉट, इस बार भी यही शॉट। स्पिनर है इनके ऊपर इतना अच्छा शॉट नहीं मार पाएंगे लेकिन शॉट लाजवाब है। चलिए दोस्तों इस बार एक और हवा में, सिर्फ हवा में सुरक्षित गिरी बॉल। बहुत बढ़िया बच चुके यहाँ पर बल्लेबाज दोस्तों, मुकाबले में बच चुके हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार यहाँ पर दोस्तों बल्लेबाजी। रविंद्र जडेजा तैयार इस बार, 15 बॉल 47 रन। चलिए रविंद्र जडेजा इस बार बेहतरीन शॉट, कवर ड्राइव अच्छा, एक रन की मांग की यहाँ पर रविंद्र जडेजा द्वारा और पहुंच चुका स्ट्राइक पर सूर्य कुमार यादव। 46 रन की दरकार है 14 बॉल पर। क्या जीत पाएंगे यहाँ पर दोस्तों बल्लेबाज, मुश्किल परिस्थितियों इनमें से निकलना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस बार अगली बॉल और ये कसिविंग हुई है और ये सीधा फील्डर के हाथों में गई है। कितनी तेज स्विंग हुई है बॉल और ये सूर्य कुमार यादव आउट हुए यहाँ पर दोस्तों। जो मार रहे थे वो बल्लेबाज जा चुके हैं पवेलियन के बाहर। बहुत ज्यादा स्विंग और बिल्कुल दोस्तों ये स्विंग यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को आउट करा गई। बहुत शानदार बॉल डाली यहाँ पर और ये सूर्य कुमार यादव दोस्तों आज के मुकाबले में आउट। 13 बॉल पर उन्होंने 39 बनाए, बहुत ज्यादा मारे थे इन्होंने लेकिन फिर भी आउट होना पड़ेगा। चलिए रिंकू सिंह रविंद्र जडेजा आए यहाँ पर मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए, तैयार यहाँ पर ये महान बल्लेबाज रिंकू सिंह। 13 बॉल 46 रन की दरकार है। रविंद्र जडेजा इस बार की बॉल बेहतरीन शॉट फ्लैट और ये बेहतरीन शॉट पूरे 4 रन के लिए। लास्ट की बॉल थी चौके के साथ क्या समाप्त। जिम्मी यहाँ पर जिम्मी निशाम आए ओवर लेकर, तैयार है बल्लेबाज रिंकू सिंह। 12 बॉल 42 रन रिंकू सिंह। चलिए बेहतरीन शॉट फील्डर के ऊपर से शानदार शॉट, एक रन के लिए खेला रिंकू सिंह द्वारा लेकिन मुश्किल हो रहा है दोस्तों क्योंकि 41 रन की दरकार है मात्र 12 बॉल पर। कैसे जीतेंगे बहादुरी को बल्लेबाज, बहुत ही अलग अंदाज में नजर आ रही है यहाँ पर फॉर्म। चलिए रिंकू सिंह रविंद्र जडेजा इस बार अगली बॉल बेहतरीन शॉट फील्डर तैनात और ये हाथों में, ये है कमबैक, न्यूजीलैंड का कमबैक। क्या बात है यहाँ पर दोस्तों, एक और विकेट रविंद्र जडेजा के लिए, छोटी बॉल डाली जिम्मी निशाम द्वारा और ये टाइमिंग वहां पर फील्डर को बीट करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। रविंद्र जडेजा 5 रन बनाकर आउट। रवि बिश्नोई रिंकू सिंह दोस्तों इन बल्लेबाजों पर भरोसा है, बस ये बेहतरीन फॉर्म में रहते हैं। चलिए तैयार यहाँ पर बल्लेबाज बिल्कुल दोस्तों जिम्मी निशाम रवि बिश्नोई और इस बार अगली बॉल बिल्कुल यहाँ पर तैयार बल्लेबाज और उठा कर खेला इस बार रवि बिश्नोई ने लेकिन कैच ड्रॉप। क्या बात है, बेहतरीन शानदार शॉट छोटी बॉल फील्डर का हाथों में, टाइमिंग नहीं कर पाए। इनसाइड एज बहुत खतरनाक लगा लेकिन दोस्तों बल्लेबाज की किस्मत यहां पर बच गए। क्या बॉल थी, बहुत खतरनाक बॉल थी दोस्तों ये वाली। चलिए तैयार यहां पर रिंकू सिंह इस बार अगली बॉल और ये बेहतरीन शॉट, ये टाइमिंग का है और ये फ्लैट छक्का है। रिंकू सिंह के सामने आप ऐसी गलती ना करें। क्या शॉट मारा, पड़ने के बाद बाहर की तरफ और ये बेहतरीन छक्का, फ्लैट छक्का। रिंकू सिंह दोस्तों आज अकेले लड़ रहे हैं इस मुकाबले में, बहुत शानदार पारी। चलिए दोस्तों 8 बॉल का खेल बचा है, 34 रन की दरकार है। रिंकू सिंह तैयार है, ये लड़ेंगे
एक और बेहतरीन बॉलर है, टाइमिंग नहीं है लेकिन एक रन के लिए भागे बहुत तेजी के साथ और ये रन आसान कंप्लीट। चलिए दोस्तों मुकाबले में भारतीय टीम तो आ चुकी है लेकिन ये मुकाबला बहुत डेंजर होता जा रहा है यहाँ से आगे। चलिए दोस्तों बल्लेबाज बिल्कुल तैयार यहाँ पर रवि बिश्नोई, इस बार अगली बॉल अंदर की तरफ आई लेकिन ताकत है सिर्फ इसमें, इसमें दूरी नहीं है बिल्कुल नहीं है और ये आउट। चलिए दोस्तों बल्लेबाज यहाँ पर आउट, बेहतरीन यहाँ पर तो बहुत ऊंच गई ये बॉल सीधा फील्डर खाते में, रवि बिश्नोई भी हुए चलते, रवि बिश्नोई आउट आज के मुकाबले में। चलिए बहुत शानदार विकेट मुकेश कुमार अगले बल्लेबाज। चलिए दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाज तैयार है मुकेश कुमार, ट्रिंट बॉल डाया ओवर लेकर 6 बॉल 33 रन मुकेश कुमार रिंकू सिंह, इस बार फ्लैट बॉल पहली बॉल रवि बिश्नोई ट्रेंड बॉल के ऊपर छक्का। चलिए नजर आ रही बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, क्या शॉट मारा दोस्तों यहां पर एक और छक्का, इस बार 33 रन की दरकार है 6 बॉल पर लेकिन बल्लेबाजी शानदार खेली जा रही है आज। 5 बॉल 27 रन मुकेश कुमार क्रीज पर। चलिए इस बार अगली बॉल एक और फ्लैट, इस बार भी छक्का, 2 बॉल पर 2 छक्के मुकेश कुमार द्वारा। दोस्तों बल्लेबाजी शानदार हो रही है आज, लड़ रही है भारतीय टीम, अभी भी 2 छक्के लग चुके हैं। ये तो हालांकि यॉर्कर पर मारा है छक्का, यॉर्कर पे छक्का, बहुत शानदार बल्लेबाजी दोस्तों, क्या शॉट है। तैयार यहां पर बल्लेबाज दोस्तों अगली बॉल, इस बार अगली बॉल फ्लैट एक और, इस बार सामने शॉट एक और छक्का, बैक टू बैक 3 छक्के लगातार, क्या बल्लेबाजी है, पढ़ने के बाद अंदर की तरफ आई लेकिन ये बड़ा छक्का, बैक टू बैक डबल बाउंड्रीज, शानदार बल्लेबाजी। चलिए बहुत दूर गए छक्का, 3 बॉल 15 रन एक भी डॉट हुई तो खेल खत्म हो जाएगा, बस एक डॉट करानी न्यूजीलैंड को और भारतीय टीम को एक भी नहीं होने देनी है। इस बार अगली बॉल फ्लैट एक और, लग रहा है फील्डर तैनात है लेकिन ये भी छक्का, 4 छक्के ट्रेंट बॉल के ऊपर, ट्रेंट बॉल यहां पर दोस्तों दबाव में, अंदर की तरफ आई बॉल लेकिन ये खड़े शॉट, क्या छक्का है, मजा आ जाता है ऐसी बॉलिंग देख पर, लिप शॉट देखकर क्या छक्का मारा है। 2 बॉल 9 रन की दरकार 2 बॉल पर भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत रही थी लेकिन उसके बाद विकेट पे विकेट चटका है, फ्लैट है और ये फील्डर को बीट कर गया एक और ये चौका। दोस्तों यहां पर ही मैच खत्म था, अगर ये फील्डर खत्म होती तो भारतीय टीम इस मुकाबले को जरूर हार जाती लेकिन ये बेहतरीन शॉट है, बहुत शानदार शॉट पूरे 4 रन के लिए, 1 बॉल 5 रन की दरकार है, चौका होता है तो टाई होगा मैच। चलिए इस बार अगली बॉलर अंदर की तरफ आई ऊंची तो बहुत है और ये फील्डर के हाथों में भी है और ये कैच भी है। चलिए दोस्तों 4 रन से हारा है मुकाबला भारतीय टीम ने। अगर दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बहुत बड़ा शॉट था लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। चलिए